आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी हम एम्ब्रॉयडरी का ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन उषा जैनोम वंडर स्टिच प्लस की हेल्प से कैसे बना सकते हैं। इस एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करने के लिए हमें इस मशीन के जिगजैग पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम पीको भी करते हैं। कुर्ते का नेक और स्लीव्स मैंने तैयार कर लिया है और अब मैं कुर्ते का घेर तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने घेर पे चाक पे लाइन ड्रॉ कर ली है। तो सबसे पहले हम थ्रेड कौन से यूज़ करेंगे वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। एम्ब्रॉयडरी के लिए मैं ऊपर ये रेड कलर का सिल्क का थ्रेड यूज़ करूँगी और नीचे की साइड में बॉबिन में जो हम नॉर्मल जो धागा यूज़ करते हैं ये धागा मैं यूज़ करूँगी, जिससे हम नॉर्मली डेली स्टिचिंग करते हैं। इसकी जगह आप कढ़ाई के लिए जो वाइट कलर का कॉटन का थ्रेड आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं नीचे भी रेड और ऊपर भी रेड दोनों रेड थ्रेड यूज़ करूँगी तो इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। अब मशीन में थ्रेड कैसे डालते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है, उसमें मैंने दुपट्टे को पीको करके दिखाया है और उसी के साथ डिटेल में थ्रेड को हम कैसे डालते हैं और जो बॉबिन है वो कैसे फिल करते हैं ये भी दिखाया है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। एम्ब्रॉयडरी शुरू करने से पहले हमें यहाँ से पैटर्न सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इन तीनों की सेटिंग करते हैं। तो मुझे ये रेड कलर की बॉर्डर लाइन बनाना है, तो इसके लिए मैं इन सभी स्टिचेस में से ये जिगजैग पैटर्न सिलेक्ट करूँगी और ये सी पे है तो हमें इस रेगुलेटर को सी पर सेट करना होगा। सिलेक्टर के बाद हमें लेंथ डिसाइड करना है, इससे हम लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि लेंथ जो है स्टिच की कितनी छोटी रहेगी और कितनी बड़ी रहेगी, जिसे हम बखिया भी बोलते हैं कि बखिया कितना बड़ा रहेगा और कितना छोटा रहेगा। अगर हम इसे एक पे सेट करें तो स्टिचेस हैं जो पास में आएंगे और जैसे जैसे हम ये बढ़ाते जाएंगे एक से ज़्यादा करेंगे तो जो गैप है वो कम से बढ़ते जाएगा। अभी मैंने इसे दो पे सेट किया हुआ है तो स्टिचेस की जो थिकनेस है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए स्टिच आप देख सकते हो। अभी मैं इसे एक पे सेट करके दिखाती हूँ। तो एक पे आप स्टिच की थिकनेस देख सकते हो, पहले से थोड़ी कम हो गई है। अभी हमें इसे और भी कम करना है और इतनी थिक लाइन हमें चाहिए तो इसके लिए मैं इसे जीरो से थोड़ा सा आगे सेट करूंगी। अगर हम इसे जीरो पे सेट करेंगे तो मशीन जो है एक ही जगह चलती रहेगी। तो ये भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मशीन अभी मैंने इसे जीरो पे सेट किया है तो स्टिच आप देख सकते हो। तो अगर मैं इसे जीरो पे सिलेक्ट करती हूँ तो एक उभरा हुआ डॉट बना हमें मिलेगा। अगर आप डॉट्स बना के कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो तो आप जीरो पे सिलेक्ट करके ये डॉट्स बना सकते हैं और ये भी एक अच्छा डिज़ाइन है। और अब मैं इसे जीरो से थोड़ा सा आगे सेट कर रही हूँ। तो अब हम ये थिकनेस देखते हैं। अब आप ये थिकनेस देख सकते हो और यही थिकनेस हमें चाहिए। थिकनेस के बाद अभी हमें ये स्टिच कितना ब्रॉड चाहिए
वो अभी हमें सेलेक्ट करना है। ये स्टिच और ये वाला स्टिच आप देख सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसे अभी हमें थोड़ा सा और ब्रॉड करना है। तो इसके लिए हम ये विड्थ जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो अभी ये 3 पे है, तो इसे मैं 4 पे सेट करके थोड़ी सी विड्थ और बढ़ा देती हूँ। तो अब हम ये स्टिच चेक करेंगे। तो विड्थ आप देख सकते हो इससे थोड़ी सी बढ़ गई है, और यही विड्थ हमें चाहिए थी। तो अभी मैं कुर्ते के घेर पर ये लाइन बनाना शुरू करूँगी। तो इससे पहले मैं आपको ये सेटिंग फिर से दिखा देती हूँ। तो सी मैंने सिलेक्ट किया है जिगजैग पैटर्न के लिए। जो लेंथ है वो मैंने 0 से थोड़ी ज़्यादा ली है, और जो विड्थ है वो मैंने 4 ली है। कुर्ते के घेर के ऊपर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी के ऊपर मैं रेड थ्रेड से लाइन बनाती जाऊंगी। यहाँ पे हमें एम्ब्रॉयडरी करना है, तो जस्ट इसी के नीचे मैंने जो पेपर पेस्टिंग है उसे प्रेस से चिपका लिया है। अब इसी के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इसे लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसी की हेल्प से हम फैब्रिक को घुमा सकते हैं और आगे पीछे कर सकते हैं। अगर ये फैब्रिक सॉफ्ट रहेगा और पतला रहेगा तो इसे हम मशीन पे घुमा नहीं पाएंगे और ये एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। तो अभी मैं ये लाइन बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए हम फैब्रिक को आगे और पीछे की साइड से पकड़ते हुए सीधा रखेंगे और पीछे की साइड से फैब्रिक को हल्के हाथों से खींचते जाएंगे। हमें फैब्रिक को ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना, नहीं तो जो स्टिचेस का गैप है वो बढ़ते जाएगा। अभी मशीन को मैं नॉर्मल स्पीड पे चला रही हूँ और वीडियो को भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया। अब मैंने वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसी तरीके से मैंने पूरे घेर पे बॉर्डर लाइन तैयार कर ली है। बॉर्डर लाइन देने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था इस साइड, उसे मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो अभी हमें इस डिज़ाइन को फिक्स करना है। इन फ्लावर्स के साइड से धागे ना निकले, इसलिए हमें इन्हें साइड से ये पैक करना होगा। इन फ्लावर्स को मैंने कैसे बनाया है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो शेयर की है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इन फ्लावर्स को आप बिना ऑटोमेटिक मशीन के भी लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। इसे पैक करने के लिए हमें सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये भी ठीक है, लेंथ भी ठीक है, विड्थ को हमें 4 से 3 पर सेट करना होगा। पहले जो हमने बॉर्डर लाइन तैयार की थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, पर अभी हमें इस लाइन को फ्लावर के शेप के साथ साथ घुमाते जाना है। मशीन में ये लाइट ऑन होने के कारण कैमरे में थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आता, तो इसे मैं आपको थोड़ा और पास से दिखाती हूँ। तो पूरे फ्लावर्स को हम ऐसे ही आउटलाइन देते हुए कंप्लीट करेंगे। कुर्ते
कुर्ता कंप्लीट होने के बाद मैंने येलो और ब्लू कलर के स्टोन लगा दिए हैं, जिससे जो डिज़ाइन है थोड़ा और उभर के आ रहा है। तो आप भी इसी तरीके से अपने किसी प्लेन सूट को या कुर्ते को डिज़ाइन दे के आप उसे सिंपल से एक डिज़ाइनर कुर्ता बना सकते हो। और ऑटोमेटिक मशीन से आप अलग अलग स्टिचेस को चूज़ करके बहुत इजी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, जिससे कुर्ते का जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ये कमेंट में बता सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो।